नमस्कार, राम राम सभी पशुपालक मित्रों को। आज हम दादरी के पास बत्तरखेड़ी गांव में आए हुए हैं। बत्तरखेड़ी जहाँ पर पहाड़ है वहाँ पर एक गौशाला में आए हुए हैं। बाबा जी की गौशाला है, आप देख सकते हैं, मतलब बहुत ही रेयर इतनी तकड़ी गायें मिलेंगी आपको। बहुत अच्छी दूध वाली भी अच्छी हैं, सभी गाय कंपटीशन लेवल की है। लंबाई ऊंचाई इनकी जो कंधी होती है, बहुत ही अच्छी गाय है सभी, दूध वाली भी अच्छी है। एक बाबा जी की मेहनत है, बाबा जी ने खुद तैयार की है सारी गाय। ये देखें जी, आर्डर की क्वालिटी। बाकी हरियाणा नस्ल में जो ये सींग होता है मायने नहीं रखता, थोड़ा बहुत अगर तिरछा सींग है तो कोई दिक्कत नहीं होती। और एक गाय आपको दिखाएंगे जो गुल्लू भाई के पास रुद्रनाथ पुल है, सेम उसकी कॉपी है। आप उसके ठुई से समझ जाओगे। ये देखे जी, ये गाय है वो, ये देखे जी, ये हो गए बिल्कुल रुद्रनाथ की जैसी है। वही सींग, वही पीठ, चौड़ी पीठ और भारी। और भी बहुत सी गाय हैं, बहुत अच्छी अच्छी गाय हैं। और एक बुल भी देखा था हमने बिल्कुल रुद्रनाथ की जैसा। रुद्रनाथ यहीं से बिक के गया हुआ है, सॉरी बिक के बोल दिया। बाबा जी ने ले रखा है गुल्लू जी को, गुल्लू भाई खरखड़ा गुल्लू अलावत जो चैंपियन बुल है। ये देखो जी गाय, इससे 8 से 10 गुना गाय और भी हैं। ये देखें जी, खुला घूमने की जगह है, कितने जाड़ हैं यहाँ पे, जो अपने हरियाणा में तो बहुत कम रहेगी, खत्म हो गई हैं जाड़े। और आपको 2 गाय और दिखाएंगे, बिल्कुल आर पार कंपटीशन की गाय हैं। मुर्रा नस्ल और हरियाणा ब्रीड की गाय जो होती हैं, इनको खुले में रहना ज़्यादा पसंद होता है, दूध भी ज़्यादा देती हैं। अब आएंगे वो सामने गाय, एक गाय तो जो पीछे खड़ी है वो सफेद रंग में है, पीठ वगैरह देख सकते हैं, कंदी ठुई जिसको बोलते हैं। 2 गाय और दिखाएंगे आपको, सामने आएंगे। एक तो ये गाय है, एक ये है, ये दोनों गाय बहुत ही शांत स्वभाव है। एक ये बच्चिया है, देखो जी, अब ये गाय आएगी। और ये बुलबुल जो मैं आपको बता रहा था रुद्रनाथ के जैसा ही है बिल्कुल, वही पीठ कंधी वगैरह। ये देखो जी, बिल्कुल शुद्ध देसी नस्ल की गाय, प्योर हरियाणा ब्रीड जिसको हम बोलते हैं। ये और भी गाय हैं इनके पास, बाबा जी के पास। ये छोटे बच्चे बच्चिया जो बांध रखी है, बहुत बहुत ही सुंदर लग रही थी। एक एक करके निकाल रहे हैं बाहर। और ये बच्चे मैंने सबसे अलग, बहुत ही सुंदर लगे, इसकी मैंने लंबी वीडियो बना रखी है। बहुत ही चंचल बच्चिया है। बाबा जी को हमने बोला भी था दे दो, मगर बाबा जी ने मना कर दिया, अगर बछड़ा लेके जाना तो ले जा सकते हो, बच्चिया कोई नहीं देंगे। ये देखो जी कितना सुंदर लग रहा है। फिर उसी बच्चिया की वीडियो आ गई है, इसकी मैंने बहुत सी शॉर्ट वीडियो निकाली थी। एक ये गाय देखना आप कितनी शानदार है,
आर पार कंपटीशन की। ये बत्तरखेड़ी गांव है दादरी के पास, वहाँ की वीडियो है। दादरी साइड कोई भाई जाओ, दादरी जोजू पांडुवाइन अम्बीर राम सिंह के यहाँ, तो राम सिंह के यहाँ तो गौशाला में जरूर घूम के आइयो। बहुत ही बढ़िया गाय है यहाँ पे, मतलब मन लगता है वहाँ जाकर, वहाँ का माहौल देख के। और बाबा जी भी बहुत अच्छे स्वभाव के हैं। देखो जी, ये बस यहाँ के लिए मैं स्पेशल रिक्वायर किया बाबा जी को, बाबा जी दे दो, बट उन्होंने मना ही कर दिया कि भाई ये एक भी बच्ची हम सेल नहीं करेंगे, प्योर शुद्ध नस्ल की बच्चियाँ आई हैं, प्योर हरियाणा। और ये हमने जो वीडियो देख रहे हैं शॉर्ट वीडियो निकाली थी, ये साथ में ही चिपका दी क्योंकि मैं ज़्यादा एडिटिंग वगैरह करनी आती नहीं, सीधे फ़ोन से बनते हैं या तिरछे फ़ोन से बनते हैं, हम सभी लगा देते हैं। और ये जो छोटी बच्चियाँ साल सवा साल की हैं, इनका अलग बना रखा है इन्होंने, थोड़ी बहुत एक आधी तो ब्लैक कलर वगैरह ही मिक्स हो ही जाती है भाई, कई बार बुल की कमी हो जाती है, कई बार गाय के अंदर कोई करेक्टर ऐसा आ जाता है। ये देखो कितना सुंदर दृश्य है, बड़ा अच्छा मन लगता है यहाँ पर। और ये देखो वो गाय जो मैंने आपको बताई थी कंपटीशन की, दोनों गाय बहुत ही शानदार है, जहाँ मर्जी खड़ा कर दो आर पार है कंपटीशन में। अपने यहाँ कहते हैं ना कि साहब बच्चा पकड़ के ले जाओ, जीत के ही वापस आएंगे। धन्यवाद सभी मित्रों को, नमस्कार, राम राम।